सो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज। तो जोसा काउंसलिंग राउंड 6 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग बच रही है वो बच रही है सीसेप काउंसलिंग राउंड 1 और सीसेप काउंसलिंग राउंड 2। तो अभी जो मेजर डाउट बच्चों का मेरे पास आ रहा है वो मेजर डाउट ये आ रहा है कि भैया जोसा काउंसलिंग राउंड 6 के अंदर अगर मैंने ब्रांच ले ली है, बेसिकली किसी कॉलेज में कोई सीट मेरे को अलॉट हो गई है, ठीक है, और मैं सीसेप काउंसलिंग के अंदर जाना चाहता हूँ या सीसेप काउंसलिंग के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मैंने पार्शल फी पेमेंट कर दिया, उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को वेट करना है या मेरे को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे होंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट है और मेरा पूरा कमेंट सेक्शन इस डाउट से भरा हुआ है लास्ट वीडियो का कि भैया मैंने रिपोर्ट करना है नहीं करना, मैंने पार्शल फी पेमेंट कर दिया, अब मेरे को क्या करना है। तो यार देखो, अगर आपको जोसा काउंसलिंग राउंड 6 खत्म होने के बाद कोई सीट मिली है, बेसिकली किसी कॉलेज में कोई ब्रांच आपको अलॉट हुई है और आप उससे सेटिस्फाइड है, आपको सीसेप काउंसलिंग के अंदर नहीं जाना है, तो आपको पार्शल फी पेमेंट जो 40,000 रुपीज का है वो करना है, रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर 24 नवंबर से पहले पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, बैलेंस फीस जो उनकी बची है वो पेमेंट कर देना है अगर आपको सीसेप में नहीं पार्टिसिपेट करना है तो। और अगर आपको सीसेप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आपको सिर्फ अभी पार्शल फी पेमेंट करना है 40,000 रुपीज का और उस कॉलेज की वेबसाइट पे अभी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने, बेसिकली रिपोर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको सीसेप के अंदर जाना है, आपको जोसा से सीट नहीं चाहिए, आपको सीसेप के थ्रू सीट चाहिए, तो आपको 27th तक वेट करना है। 27th को सीट वैकेंसी डिस्प्ले होगी, 28, 29, 30 को आपको रजिस्ट्रेशन करना है सीसेप के पोर्टल पर जिसकी फीस है 2,000 रुपीज, उसमें 2,000 रुपीज देके आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको अगर कोई नया कॉलेज मिलता है तो ये वाली सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और वो आपको अलॉट हो जाएगी। उसके अंदर आपको फिर उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी रहेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, ठीक है। अगर उन दोनों राउंड्स के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है सीसेप राउंड 1 और सीसेप राउंड 2 के अंदर, तो ये वाली जो सीट है आपकी रिटेन रहेगी, वापस से इसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आकर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो बेसिकली अगर आपको सीसेप में जाना है तो आपको अभी रिपोर्ट करना नेसेसरी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना नेसेसरी नहीं है, और आपको सीसेप में नहीं जाना है तो अभी आप अगर आप चाहते हैं जो मिल गया आप उससे सेटिस्फाइड है, आपको सीसेप के अंदर नहीं जाना है, तो अभी रेस्पेक्टिव कॉलेज की रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे 24 नवंबर से पहले पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। पार्शियल फी पेमेंट करने के बाद जो 75,000 आप पे कर चुके हैं उसके ऊपर भी कुछ पे करना है, बैलेंस फीस, मान लो कॉलेज की फीस 80,000 है तो बैलेंस फी करने के लिए 5,000 ऊपर और देना पड़ेगा, तो वो आप पे कर दीजिए। सारा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है 24 नवंबर से पहले पहले, ठीक है यार। और अब मैं बात कर लेता हूँ सीसेप काउंसलिंग की। तो सीसेप काउंसलिंग के अंदर जिनको जाना है उनको अभी कुछ नहीं करना है, 27 तक वेट करना है। अगर आप चाहते हैं हम आपको पेड काउंसलिंग अब हमसे लेना चाहते हैं सीसेप की, जिसके अंदर हम आपको चॉइस फिलिंग से लेके कॉलेज रिपोर्टिंग तक हर एक स्टेप में मदद कर रहे होंगे, हर एक स्टेप में आपको गाइड कर रहे होंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको फिलअप कर दीजिए। उसी के अंदर पेमेंट का भी लिंक है, पेमेंट की भी उसके अंदर डिटेल्स दे रखी है। उस पेमेंट को करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच कर लीजिए, विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, आपसे बात कर लेगी, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस रहेगी उस अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस बना करके दे देगी, जो भी आपके डाउट रहेंगे हमारी पूरी टीम आपको क्लियर कर देगी, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ 450 रुपीज के अंदर, ठीक है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।